एसपीएल लाइव लर्निंग में मैं कुंज बिहारी दुबे फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, प्रकृति की अनुपम छटा आज मैं आप लोगों के सामने दिखला रहा हूँ। ये चींटियाँ हैं, हमें इनसे जीवन के चक्र को समझना चाहिए। ये जो मैंने सबसे पहले आपको दिखलाया, ये इनका निवास स्थान है, माद है जिसमें सब रहती हैं। और यहाँ से प्रातःकाल इलो पंक्ति बना करके अन्य अन्य क्षेत्रों में विभक्त होकर के, देखिए इनकी पंक्ति चल रही है, पंक्ति बना करके ये खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में निकल करके दूर दूर तक के एरिया में चली जाती हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, इनके चलने से बड़ा ही चिकना सुंदर मार्ग बन गया है। इनके आने जाने से एक ही लाइन पर इन्होंने सड़क बना दिया है, रास्ता बना दिया है। और इस रास्ते से इस घास के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि आपको चिकना चिकना दिखाई पड़ रहा है। इस घास के क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ जगह में भी अपने काम में कितने तन्मयता के साथ इनका आवागमन चल रहा है। ये देखिए, आप लोगों को मैं दूर तक ये सीनरी दिखा रहा हूँ। हमें एकाग्रचित होकर के इनके द्वारा किए गए जो प्रयास हैं, कार्य हैं, इनसे सीख लेनी चाहिए कि यदि हम भी एकाग्रचित होकर के अपने काम को तन्मयता पूर्वक करें तो निश्चित रूप से सफल रहेंगे। स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी एक ऐसी ही शिक्षा देता है जिसमें हमें तन्मयता से काम करके चलने की बात कही जाती है, सिखाई जाती है। समय समय पर इसमें नई नई बातें बतलाई जाती हैं जिसे करने के बाद हम अपना मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, खुश रह सकते हैं, जी सकते हैं। ये चींटियों की जीवनचर्या है। दिन में ये भोजन की तलाश में घूमती हैं, सायंकाल होते ही ये अपने बिलों में जो एक ही जगह बना हुआ है, जो इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया हुआ है, जा करके अपना निवास बना लेती हैं। तो इस तरह से हमें इनके कार्यों से सीख लेनी चाहिए, हम मनुष्यों को भी सीख लेनी चाहिए, अपनी एकता को प्रदर्शित करते हुए अपनी सुरक्षा को हम मजबूत बना सकते हैं। दृढ़ निश्चयी बने, कर्मठ बने और सफल होवें, इन्हीं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।